हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, बात करेंगे एमआईगो प्लस इंजेक्शन की। ये क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, किसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होगा, क्या सावधानियाँ रखनी है, सब कुछ जानेंगे, तो देखते रहिए। दोस्तों, बात कर रहे हैं एमआईगो प्लस इंजेक्शन की, जो कि आता है मार्केट में 200 मिलीग्राम का आईवी इंजेक्शन होता है। ये सेप्टलिस्ट लाइफ साइंस कंपनी इसको बनाती है, ठीक है। सेप्टलिस्ट लाइफ साइंस 745, 750, इतना आगे पीछे इसका रेट हो सकता है, इतने में मिल जाता है, 800 रुपये आप मान के चलो, काफ़ी महंगा इंजेक्शन है, ठीक है। बात करें कि इसका सब्स्टिट्यूट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो नहीं है, एलामिन इंजेक्शन आता है, ठीक है। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वो भी देख लेना, ठीक है। तो यह क्या दोस्तों, ये जो एमाइगो प्लस इंजेक्शन है, एक प्रकार का एमाइनो एसिड्स का इंजेक्शन है। एमाइनो एसिड क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रोटीन है, एक प्रकार के प्रोटीन, कई तरह के जो है एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो जिस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तब उसको ये दिया जाता है, क्योंकि प्रोटीन किससे बना, मिलकर बना होता है, एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स कई तरह के होते हैं, ठीक है। इनकी एक चैन जुड़ी होती है, पॉलीमर चैन होती है। तो पहले बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, थोड़ा डिटेल में, फिर उसके बाद बताएंगे इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। देखो, एलामाइन इंजेक्शन एक प्रोटीन इंजेक्शन है, मतलब कि बोले से कि आपको विटामिन मिल जाएगा इंजेक्शन फॉर्म में, आयरन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, लेकिन ये प्रोटीन है, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर है क्या, एलानाइन 6.2 है, एस्पार्टिक एसिड 3.8 है, इसके अंदर ग्लाइसिन है 10.7, एलार्जिनिन है, ये सारे क्या है, अमाइनो एसिड तो हैं, ठीक है। 9.55 है, एल-सिस्टीन है, एल-ग्लूटामाइन है, एल-हिस्टिडाइन है, ठीक है, आइसोल्यूसिन है, एल-ल्यूसिन है, एलाइसिन है, एल फेनिलमाइन है, एल मेथियोनाइन है, प्रोलाइन है, सेरीन है, ट्रिप्टोफेन है, ठीक है, ट्रिप्टोफेन भी है इसके अंदर, और टायरोसिन है, ज़ाइलिटेल है। देखो, ये सारे डिफिकल्ट जो भी नाम थे, ये सब अमीनो एसिड्स हैं जो कि इस इंजेक्शन में हैं। इसका कंपोजिशन है एक्टिव कंपोजिशन। तो होता क्या, ये सारे ही जो है अमाइनो एसिड बॉडी में जाके आपकी बॉडी में मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जब व्यक्ति को आप प्रोटीन पाउडर दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, तब डॉक्टर को ये इस तरह का आईवी इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि जो आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन होता है, आयरन की टैबलेट खिलाती है, लेकिन फिर भी जब हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता तो आयरन सुक्रोज लगाना पड़ता है ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी भी चीज़ के चलते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनके चलते, भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई वीकनेस है, ठीक है, तो कोई ऐसी सीवियर बीमारी के द्वारा शरीर में मसल्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, ठीक है, आदमी के शरीर में जान नहीं बची है, ताकत नहीं लगा पा रहा, तब उसको एमआईगो प्लस इंजेक्शन डॉक्टर आईवी लगाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ कि ये ड्रेप के फॉर्म में लगेगा, डायरेक्ट नशा नस में नहीं हो जाना, ठीक है। पूरे आदमी कई बार पूरी बात सुनते नहीं और लगा लेते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना, घर पे तो बिल्कुल नहीं लगाना, ये भी मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर के मॉनिटरिंग में लगता है, वो भी एलर्जी टेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो प्रॉपर एक बोले चाहिए कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है आदमी को, उसके बाद इसको चढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आयरन सुक्रोज चढ़ाते हैं, सेम वैसे ही चढ़ेगा, ठीक है। तो दिन भर में एक बार इसको चढ़ाया जाता है, ठीक है, 200 ml का। तो ये है, और ये जस्ट एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी में, एक सप्लीमेंट की रूप में दिया जाता है। उसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें स्पेसिफिक इसको लिखा जाता है, कई डॉक्टर्स को लिखते हैं, माइग्रेन में लिख देते हैं, कई बार ट्राइजमाइनल न्यूरोलॉजिया की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है। और कार्डियक अरिथमियाज होती हैं, कई तरह की ऐसी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी इसको कई बार लिख दिया जाता है। कब नहीं दिया जाता, ये प्रॉब्लम है। देखो, सावधानियाँ बहुत सारी हैं, जैसे कि सोडियम की अगर शरीर में कमी है तो उसको नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सोडियम को बाहर निकाल देता है, ठीक है। एलर्जी है आपको तो बिल्कुल नहीं देगा डॉक्टर आपको, ठीक है। और किसी भी तरह के आपको खांसी की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, आरटीआई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, तब इसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि भाई उसमें चेहरे पर सूजन वगैरह है, या कहीं बॉडी में कहीं पर कोई एडिमा है, वाटर होल्ड कर लिया है बॉडी ने, तब भी इसको नहीं चलाया जाता, ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि भाई वर्टिगो हो सकता है, आदमी का सिर चकराने लगेगा, ड्रॉसिनेस नींद से आने लगेगी, नोज़िया वोमिटिंग, मतलब कि जी में चलाएगा, उल्टी हो सकती है, ये होते हैं साइड इफेक्ट, ठीक है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है, आदमी को बेहोशी हो सकती है। और अगर महिलाओं को ये दिया जाता है तो कई बार
हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम देखी गई है कि उनको अनवांटेड हेयर्स ग्रोथ होने लगते हैं, चेहरे पे यहाँ पर नहीं आना चाहिए बाल, वहाँ पे बाल आने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, एमाइगो सिरप सॉरी एमाइगो प्लस का इंजेक्शन। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आप देख रहे थे ज्ञानी मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।